दर्द दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई है जी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई जौहरी की गति जौहरी जाने घायल की गति घायल जाने या जाने जिन होई हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने संसार में आदमी अपने दुख को व्यक्त करता है। ये चरित्र हमें ये भी बतलाता है कि जीव जीव के पास अपना दुख अगर व्यक्त करता है तो वो तुम्हारा दुख कम नहीं कर सकता, वो तुम्हारी दर्द को कम नहीं कर सकता। सारंग पंडित को अपना सारा दुख बतलाती है, भांडा लगता है रिश्ते में, कहती है कि बेटा अब मेरी जीने की आस जो है वो खत्म हो चुकी है, अब जीने की कोई आस शेष नहीं रही। मैंने आखिर में अपने मन में विचार किया है कि एक लड़की को मैं अपने पेट से और एक लड़की को अपने पीठ से बांध करके द्वारिका जा ही रहा है संग, उस संग के साथ जाऊंगी द्वारिका और द्वारिका में समुद्र में अपनी छलांग लगा करके अपने जीवन को खत्म कर दूंगी। ऐसा मन में विचार मैंने बनाया है। सारंग पंडित उसका सारा दुख सुनता है। दुख सुनने के बाद सारंग पंडित कहता है कि माता अगर तुमने ये अपना निश्चय पक्का कर ही लिया है तो मैं तुम्हारे निश्चय को डगमगा नहीं सकता, लेकिन तुम्हारे को एक उपाय बतलाता हूं। तुम जा ही रही हो द्वारिका तो रास्ते में तुम्हारे को देवगिरी नाम का एक ठिकान लगेगा, वेरुल नाम की एक जगह लगेगी, गांव लगेगा। उस गांव में भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के नाम के एक ईश्वर पुरुष आजकल निवास कर रहे हैं। कुछ मत करना, तुम अपने विश्वास पर डगमग नहीं हो सकती, ये मैंने तुम्हारे जान लिया है। तुम्हारा दुख कोई कम नहीं कर सकता। जाना हो जाना तो तुमने द्वारिका है ही, रास्ते में वो गांव आएगा ही। उस गांव में भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी को केवल मिलती हुई जाना, भगवान के दर्शन करती हुई जाना। दूसरे दिन वो संग के साथ माई बाईसा चलती है, गांव आया वेरुल, और उस गांव में भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का निवास स्थान चतुर्विध मठ में था। पता लगा कि भगवान गांव में है, जाती है। उस क्षण जिस क्षण भगवान का बहुत ही पूजा अवसर हो रहा है, दोपहर के पूजा अवसर चल रहा है, सभी ने अच्छे अच्छे वस्त्र पहने हुए हैं, सभी प्रतिष्ठित लोग वहां पर आए हुए हैं। अब माई भाई साहब जिसने कभी भी भगवान को देखा नहीं, वो देखती है वो सभी लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठी है, इनमें से भगवान श्री चक्रधर स्वामी कैसे ढूंढूं, यहां पर तो बहुत सारे लोग हैं। और भगवान आवाज देते हैं माई बाईसा को, माई बाईसा को कहते हैं माई बाईसा इधर आ जाओ। भगवान के पास आई, भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, भगवान के सन्मुख बैठी, और जैसे ही बैठी उसकी आंखों में से आंसू आने शुरू हो गए, क्योंकि भगवान की जो श्री मूर्ति है वो कैसी है, चांपे गौर है, सुकुमार है, 25 और 27 के बीच बीच का वय है।
आयु मन में विचार करती है उस श्री मूर्ति को देख करके कि अगर मेरा लड़का जीवित होता तो मेरा बेटा भी इतना ही होता, ऐसा ही सुंदर था, मेरे को छोड़ करके चला गया। दुख करती है, भगवान उसके दुख को जानते हुए, और दुख जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब याद रखना कि वो आंखों से व्यक्त होता है। और एक बात याद रखना कि जब हम संसार के लिए रोते हैं, जब संसार के लिए रोएंगे तो हमारी आंखों से जो आंसू निकलेंगे उनको कभी स्पर्श करके देखना, वो गर्म होंगे। और जब भगवान की याद में हम रोएंगे उन आंसुओं को स्पर्श करके देखना, वो ठंडे होंगे। ये दोनों आंसुओं में अंतर है। माई भाईसा को रोते हुए भगवान श्री चक्रधर प्रभु शांत करते हुए कहते हैं, माई भाईसा रो मत, दुख मत करो, दुख करने से पाप होता है और पापों से नरकों की निष्पत्ति होती है। जैसे ही भगवान का पहले दर्शन हुआ, भगवान के श्री चरणों का स्पर्श हुआ, और अब तीसरा प्रकार का दान भगवान अपने आलाप के द्वारा देते हैं, भगवान अपने शब्दों के द्वारा उसको शांत करते हैं। थोड़ी शांत भगवान के दर्शन करके हुई, भगवान के श्री चरणों को स्पर्श करके हुई, और अब भगवान उसकी मानसिकता को शांत करते हुए भगवान ये बात कहते हैं, भाई दुख नहीं करना चाहिए, दुख से पाप होता है, पाप की निष्पत्ति होती है और पाप से नरक भोगने पड़ते हैं। यहां पर भगवान शब्दों के द्वारा बोलते हैं और वो भगवान को अपना दुख बताती है, महाराज मैं ऐसी ऐसी दुखी हूं कि मेरी जो बड़ी बेटी है उसको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, ये ससुराल वालों को अच्छी नहीं लगती इस वजह से ससुराल वालों ने इसको निकाल दिया, ये पति को अच्छी नहीं लगी चलो घर में दासिका के रूप में ही रख लेते, लेकिन इसके सास ससुर को अच्छी नहीं लगती, देवर देवरानी को अच्छी नहीं लगती, ननद को अच्छी नहीं लगती, किसी को भी अच्छी नहीं लगती, इसको निकाल दिया घर से बाहर। और ये एक मेरी बेटी जो विधवा है, और मेरा जो धन था जिस धन से मैं अपने जीवन को चाहती थी कि उससे मेरा जीवन यापन हो जाए, वो धन भी मेरे पास नहीं रहा। क्यों? क्योंकि जो पास हमारे हैं वो जाने के लिए ही है। भगवान ने उसकी संपूर्ण बात सुनी, इतने में भाईसा ने भगवान के श्री चरणों को धोया और सभी भक्तजनों को चरणामृत दे दिए। चरणामृत लिया माई भाईसा ने, एकाईसा ने और जसमाईसा ने, बड़ी लड़की का नाम जिसका नाम था जसमाईसा, छोटी का नाम जिसका नाम था एकाईसा, और माँ का नाम जिसका नाम था माई भाईसा। तीनों ने चरणामृत लिया, और जैसे ही चरणामृत लिया मन में जो और शेष दुख रहा वो सारा ही भगवान ने दूर कर दिया। माई भाईसा ने अपना जो चरणामृत था वो भी आज अपनी बड़ी बेटी को जसमाईसा को पिला दिया और उसके सिर के ऊपर लगाया। आखिर में सभी को भगवान ने आज्ञा दी, जहां पर रुकी हुई थी वहां पर रात को वापस चली गई। दूसरे दिन सुबह भगवान का सुबह के पूजा अवसर के टाइम वो भगवान के पास आया। भगवान अब उससे फिर पूछते हैं, माई भाईसा तुम्हारी रात कैसी रही, तुम्हारे को अच्छा महसूस हुआ या वैसी ही दुखी हो, तप्त हो, तुम्हारी बेटी जो तुम कहती हो कि इसको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं उसकी तबीयत कैसी है? वो कहती, महाराज
क्या बताऊं कि आपके उस चरणामृत ने मेरे जीवन में कमाल कर दिया। मेरे को वो शांति महसूस हुई, वो आनंद महसूस हुआ जो मैं शब्दों के द्वारा बता नहीं सकती। अदृश्य रूप में जो मुझे महसूस होता है वो मैं बता नहीं सकती, लेकिन जो दृश्य रूप में मुझे दिखाई देता है वो मैं आपको बतलाती हूँ कि मेरी लड़की को दिन में 10 से 20 बार मिर्गी के दौरे पड़ते थे। लेकिन जिस टाइम से आपके चरणों का चरणामृत उसने प्राशन किया, उसी क्षण के बाद इसको मिर्गी के दौरे आने बंद हो गए। भगवान उसकी बात सुन करके माई भाई साहब को कहते हैं, माई भाई अब इसको वो दौरे कभी आएंगे ही नहीं, जिंदगी में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि हम अपना दुख जो है वो जीव के पास लेकर के जाते हैं, जीव को व्यक्त करते हैं, अपने नजदीकी को व्यक्त करते हैं, देवताओं को व्यक्त करते हैं। परंतु भगवान कहते हैं कि जीव और देवता ये दोनों ही जो हैं ये सापेक्ष हैं। देवता भी हमारे कर्मों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, हमारा दुख कम नहीं कर सकती, एक सिवाय परमात्मा को छोड़ करके। और अब वो भगवान के पास पहुंची है, भगवान उसका विश्वास देखना अब चाहते हैं कि उसको हमारे श्री चरणों का विश्वास कैसे हुआ। हम बोलते हैं लेकिन अपने जीवन में उतारते नहीं, वही शब्द भगवान उसके मुंह से बुलवाना चाहते हैं। भगवान कहते हैं कि माता आप तो द्वारिका जाना चाहती हो, तो द्वारिका में आपका संग जो है वो पीछे आगे चला जाएगा, आप पीछे रह जाएंगी। अगर आप जाना चाहती हैं तो आपके लिए रास्ता खुला है। केवल एक ही दृष्टि में, एक ही भेंट में वो भगवान से इतनी प्रभावित हुई कि उसको बोध की स्थिति हो गई। और वो उस स्थिति में, बोध में, बोध की स्थिति क्या है कि हमारे को परमात्मा अनुभव में आ गया कि ये परमात्मा है। और वही अनुभव जो है वो माई बाईसा को केवल एक ही बात में आ गया। भगवान ने एक ही शब्द बोला कि दुख नहीं करना चाहिए, दुख से पाप की निष्पत्ति होती है और पाप से नरक होते हैं। केवल ये एक शब्द उस भगवान श्री चक्रधर स्वामी ने अपने श्रीमुख से बोला और उसको बोध हो गया, अनुभव हो गया। और वो अनुभव कैसा वो अपने मुंह से व्यक्त करती है। वो कहती है कि महाराज अब मेरी द्वारिका आपके श्री चरणों में ही है, अब मैं द्वारिका नहीं जाना चाहती। द्वारिका में मैं जाना जा रही थी दर्शन करने के लिए कृष्ण के, होते या ना होते, लेकिन मेरा साक्षात श्री कृष्ण मेरे को वेरुल में ही मिल गया, अब मैं वहां जाकर के क्या करूंगी। ये है बोध की स्थिति। विश्वास उसका इतना दृढ़ हुआ भगवान के श्री चरणों में कि वो कहती है महाराज अब और कहीं जाने की मुझे जरूरत नहीं रही, मैं अब आपकी हूं। जिस चीज को मैं सोच करके आई थी वो चीज मेरा जीवन आपने बदल दिया। अब मैं अगर जीना भी चाहती हूं तो आपके श्री चरणों की सेवा में, अब मैं संसार के लिए जीना नहीं चाहती। और उसी क्षण भगवान ने उसे स्वीकार कर लिया। क्यों? क्योंकि अन्न जल और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, बस प्रेम से कर दे समर्पण, यही मेरा सत्कार है। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर से, और इसलिए इस धरती पे होता मेरा अवतार है। उस भक्त ने भगवान को बांध लिया। माई बाईसा ने एक ही शब्द में भगवान को अपना बना लिया। भगवान को कहती है महाराज हुण मैं दुनिया कुल की जाना, मेरा लखा वरगा तू यूं ही है, लोकां दे लखा सहारे
मेरा सहारा तू ही है। मैं लोकानू की करना मेरा लखा वरगा तू ही है। महाराज अब क्या करूंगी संसार के पास जाकर के। आनंद आ गया है दाता के दर पे आकर, आनंद आ गया है दाता के दर पे आकर, अब क्या करें करेंगे फिर से दुनिया के पास जाकर। समझाया जिंदगी ने, समझाया जिंदगी ने, बड़े काम का इशारा पकड़ा, वो रहा न बे सहारा, दरिया में डूब कर भी। आत्महत्या करने वाली माता वो क्या सोचती है, अब जीना चाहती हूं किसके लिए, भगवान के लिए। दरिया में डूब कर भी उसे मिल गया किनारा, तेरा हाथ जिसने पकड़ा। वो भगवान को उसी क्षण स्वीकार कर लेती है और उसी क्षण भगवान भी उसे स्वीकार कर लेते। दूसरे दिन ये तो हुई बात उसके एक जन्म की, और दूसरे दिन भगवान क्या करते हैं, उसे संपूर्ण चतुर्विध कर्मों से भगवान कैसे छुड़वाते हैं, अपने वचन के ऊपर भगवान कैसे अड़िग हैं, अपनी कृपालुता का परिचय, दया माया कृपा करुणा का परिचय भगवान कैसे दिलवाते हैं, वो अगले दिन भगवान क्या करते हैं। अगले दिन भगवान माई बाईसा के पास जाते हैं और माई बाईसा भगवान को दंडवत प्रणाम करती है, नमस्कार करती है, और भगवान उसे कहते हैं, भाई हम तुम्हारे से कुछ एक कार्य करवाना चाहते हैं, अगर तुम करने के लिए तैयार हो तो। वो कहती, महाराज को मैं अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करूंगी कि आप मुझसे कुछ कहें। भगवान कहते हैं एक कार्य तुम्हें करना होगा, 40 दिन तक तुम्हारे को अपने संपूर्ण गीले कपड़ों से, तुम्हारे को पास ही में लगा हुआ एक बेर का वृक्ष था, भगवान कहते हैं रोज इसको पानी देना है अपने गीले वस्त्रों से। गीले वस्त्र मतलब स्नान करके उन्हीं वस्त्रों को उतारना नहीं है, और उन्हीं वस्त्रों से एक लोटा पानी इस वृक्ष को देना है। भगवान कहते हैं तुम्हारे 7 जन्मों के कर्मों का हम नाश कर देंगे अगर तुम ये 40 दिन करोगी तो। यहां पर भगवान उसकी परीक्षा भी ले रहे हैं कि मेरा भक्त कितना पक्का है, और माई बाईसा कहती है महाराज जो आ गया, और वो पूर्ण श्रद्धा से 40 दिन तक उस वृक्ष को पानी देती है। और भगवान कहते हैं अगर ऐसा करोगी तुम्हारे 7 जन्मों का पाप जो है, 7 कर्मों, 7 जन्मों के जो कर्म है वो तो नाश करेंगे ही करेंगे, और भगवान कहते हैं तुम्हारे को वो आनंद की नगरी में ले जाएंगे, वो शांति की नगरी तुम्हें प्रदान करेंगे, जिससे तुम्हारा नाम आज से हम माई बाईसा नहीं शांत बाईसा रखते हैं। और उसके बाद वो माता को किसी ने माई बाईसा नहीं कहा, उसके बाद उस माता का नाम क्या हो गया, शांत बाईसा। और वो 40 दिन भगवान के कहे हुए उस नियम का पालन करती है,
एक दिन भगवान उसको कहते हैं, भगवान श्री गोविंद प्रभु महाराज की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं और उन श्री गोविंद प्रभु महाराज की लीलाओं का वर्णन सुन करके शांत बाईसा कहती है, महाराज मैं श्री गोविंद प्रभु महाराज जी के दर्शन करने के लिए परमेश्वरपुर में जाऊं, और आपको पहले ही बतलाया कि हमारे साधन दाता भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी को अगर कोई भक्त भगवान के सन्निधान में रहने वाला ये कह देता कि मैं परमेश्वरपुर जाना चाहता हूँ तो भगवान अति हर्ष स्वीकार कर लेते हैं। भगवान बहुत खुश हुए, भगवान कहते हैं कि ठीक है, परमेश्वरपुर के लिए हम कभी भी मना नहीं कर सकते। भगवान कहते हैं जाओ, लेकिन कुछ विधियों का पालन तुम्हें करना होगा। वो विधियां क्या हैं? भगवान कहते हैं कि एक तो इंद्रियार्थ रसों का त्याग कर दो, दूसरा एक गांव में एक रात ही रुकना, दूसरी रात नहीं रुकना, डबल दिन नहीं रुकना, तीसरा इंद्रियार्थ जो पदार्थ हैं उनका सेवन नहीं करना, और चौथा तुमने नए वस्त्र नहीं पहनने। बस ऐसी आज्ञाएं देकर के भगवान कहते हैं।